अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। इस वीडियो में आपके साथ जो ना इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के एडमिशन के वाले से जो ना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं एडमिशन ओपन फॉर 2023, एप्लीकेशन डेडलाइन 30 जून 2023, इसमें अप्लाई करने की जो ना लास्ट डेट है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएटेड एडमिशन अलर्ट फॉर 2023, एडमिशन ओपन है। ग्रेजुएटेड एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए, जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे आपको इसी चैनल के थ्रू जो ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इनका जो ना एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एडमिशन ओपन फॉर 2023, एप्लीकेशन डेडलाइन 30 जून, और उसके बाद जो है ना www.isteducation.pk पे जाके आप जो है ना ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम कौन कौन से हैं? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें ICT डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन एंटी टेस्ट, ICT अपना कोई एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। ये यहाँ पे आप उनके एडवर्टाइजमेंट फॉर्म पे पढ़ के आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर लिखा है कि वो अपना कोई एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, बट एप्लीकेंट हैव एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन ISTE ऑन द बेसिस ऑफ एंटी टेस्ट मेंशन बिलो। इन एंटी टेस्ट के बगैर ये जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन्होंने बताए गए हुए हैं, ठीक है, इसमें आप एंटी टेस्ट के बगैर एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपने NET दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है, NET दिया हुआ है, ECAT, NED, MUET, ACT, HAT, ये टेस्ट में आप अपीयर हो चुके हैं, ठीक है, तो तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और ICT और IST जो है ना अपना कोई एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, ठीक है, इन्हीं एंटी टेस्ट की बेस पे जो ना एडमिशन देती है। साइंस प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस और स्पेस साइंस के लिए कोई एंटी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने कोई एंटी टेस्ट नहीं दिया तो आप इन दो प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 30 जून है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ISTE अपना कोई एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, लेकिन एंटी टेस्ट के बगैर वो सिर्फ दो प्रोग्राम में एडमिशन देती है, ठीक है। अगर आपने किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको ये जो एंटी टेस्ट बताए गए हुए हैं, ठीक है, इनमें से एक एंटी टेस्ट का देना जरूरी है, और जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आप जो है ना इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो है ना ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये वेबसाइट है, जैसे आप ISTE लिखेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनके मेन पेज पे जो है ना आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अंडर ग्रेजुएटेड एडमिशन अलर्ट फॉर 2023, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इनकी इस जो है ना पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर है एरोस्पेस इलेक्ट्रिकल एवियोनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का। लोकल फीस स्ट्रक्चर 49,000, और जो है ना फॉरेन फीस स्ट्रक्चर जो है ना $2,500 है, ठीक है। ट्यूशन फी 1,25,235, सर्विसेज चार्जेस 7,000, और स्मार्ट कैंपस चार्जेस 2,000, ठीक है। ये वन टाइम चार्जेस जो है ना वो एडमिशन फ़ी है, ठीक है। इंडोरमेंट फंड है, ये फर्स्ट टाइम आपसे कंडक्ट होगी। लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड है, ठीक है, 49,000, और ये जो है ना सेमेस्टर फ़ी है, ठीक है। ये जो सेमेस्टर फ़ी आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही जो है ना मटीरियल साइंस प्रोग्राम की आप यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जो है ना आपके एडमिशन के वक्त ये 49,000 जो है ना आपसे ली जाएगी, लेकिन ये जो सेमेस्टर फ़ी है वो 1,28,790 है। ऐसे ही जो है ना आप कंप्यूटर साइंस की चेक कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही जो है ना आप कंप्यूटर साइंस की चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1,40,754 जो है ये सेमेस्टर फ़ी है और ये एडमिशन फ़ी है। ऐसे ही जो है ना आप स्पेस साइंस की चेक कर सकते हैं, 1,10,000 है, ठीक है। हॉस्टल चार्जेस 50,000 है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस एज पर जो ना कॉन्ट्रैक्ट रेट, और लॉकर रेंट जो ना ये चार्जेस आप यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन नो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। ये इंटरफेस आप देख सकते हैं जो कि 30 जून तक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, ईमेल कंफर्म करनी है, ठीक है। अपना सेल नंबर लिखना है, अल्टरनेटिव सेल कोई और, ठीक है। पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड जो है ना सजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद पासवर्ड कन्फर्म करूँगा, ठीक है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, अगर वो कोई फॉरन है तो वो यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि जिस कंट्री से है वो। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, ठीक है, FSC और इक्विवेलेंट, और उसके बाद हो डू यू कम टू नो अबाउट ISTE, मैंने इसके जो है ना सोशल मीडिया पे देखा था, और आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट जो है ना बन जाएगा। ठीक है, ये अपनी चीज़ें वो आपने लिखनी है जो कि आपके जो है ना सर्टिफिकेट मैट्रिक के सर्टिफिकेट और FSC के सर्टिफिकेट पे जो चीज़ें मतलब जो फुल नेम और फादर नेम वगैरह यहाँ पे आपने एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे अपनी वही ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त एंटर किया था। लॉगिन प्रेस कर देना है। ठीक है, लॉगिन प्रेस करने के बाद जो है ना आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है ना इनके साथ शेयर करनी है। एडमिशंस IST में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है ना आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट जो है ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे आपने लॉगिन करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको लास्ट पे एक वीडियो है उसमें मिल जाएगी। उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।